रॉबर्ट वाड्रा को लाभ पहुंचाने का जिस कंपनी पर आरोप लगा वो रियल एस्टेट कंपनी है डीएलएफ। रॉबर्ट वाड्रा को बिना ब्याज कर्ज जिस कंपनी ने दिया वो है भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ। क्या है वाड्रा डीएलएफ का कनेक्शन? क्यों डीएलएफ ने वाड्रा को पहुंचाया लाभ? अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मशहूर बिल्डर डीएलएफ से बिना ब्याज का लोन लेकर करोड़ों की दौलत के मालिक बन गए। रॉबर्ट वाड्रा जी ने 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। अरविंद केजरीवाल ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 50 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया और 3 साल में 300 करोड़ के मालिक बन गए। आरोप है कि डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को 65 करोड़ रुपए का लोन दिया वो भी बिना ब्याज के और फिर अपने फ्लैट ही सस्ते में बेच दिए। हम मौजूद हैं दिल्ली के साकेत इलाके में जहां पर है हिल्टन गार्डन इन होटल और अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने यह आरोप लगाया है कि इस होटल में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी है, वो भी 50% की हिस्सेदारी जो कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 31 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदी थी। आरोपों के मुताबिक दिल्ली के साकेत में हिल्टन गार्डन इन में डीएलएफ ने रॉबर्ट की कंपनी को 50% हिस्सा 32 करोड़ रुपए में दे दिया जबकि इसका बाजार भाव तब 150 करोड़ रुपए था और अब है 300 करोड़ रुपए। हम खड़े हैं डीएलएफ गुड़गांव में अरलियाज अपार्टमेंट के ठीक पीछे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिखाई दे रही है बड़ी बिल्डिंग है, वो अरलियाज बिल्डिंग ही है। इस बिल्डिंग में एक पेंट हाउस की कीमत आज के समय में लगभग 35 करोड़ रुपए बताई गई है जबकि आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका पेंट हाउस मात्र 89 लाख रुपए में दिया गया जबकि उस समय कीमत 20 करोड़ रुपए थी। इसी तरह गुड़गांव के डीएलएफ अरालियाज में 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 89 लाख में दिया जबकि बाजार भाव करीब 25 करोड़ रुपए था और अब है 40 करोड़ रुपए। गुड़गांव में डीएलएफ मैग्नोलियाज में 7 फ्लैट 5 करोड़ 20 लाख रुपए में दिए जबकि बाजार भाव 35 से 70 करोड़ रुपए था और अब है 105 से लेकर 175 करोड़ रुपए। उनका रोब बहुत है, उनका कंट्रोल बहुत है गवर्नमेंट के ऊपर और क्योंकि गवर्नमेंट से हम जब बात करते हैं कानून को लागू करने की वो अनसुने करते हैं, तो जनरल फीलिंग सबकी यही है कि गवर्नमेंट इज फॉर द डीएलएफ फॉर द बिल्डर्स एंड दे डोंट डू एनीथिंग फॉर पब्लिक एट लार्ज। डीएलएफ ने अपनी सफाई में कहा है कि वाड्रा के साथ व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह पारदर्शी हैं। वाड्रा के साथ व्यापार करते वक्त व्यापार की नीतियों का पूरी तरह पालन किया गया। टीम केजरीवाल के आरोपों पर कांग्रेस भड़क उठी है तो बीजेपी ने जांच की मांग की। सवाल उठता है कि डीएलएफ ने सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को बिना ब्याज के पैसे क्यों दिए? डीएलएफ ने बाजार कीमत से काफी कम में रॉबर्ट वाड्रा को फ्लैट क्यों बेचे? डीएलएफ ने 2007 में रॉबर्ट वाड्रा को बिना ब्याज का कर्ज दिया। चौंकाने वाली बात है कि उस साल डीएलएफ खुद कर्ज के बोझ में डूबा हुआ था। योर इंटरेस्ट कॉस्ट अगर वो से डाउन होता है टुडे इंटरेस्ट कॉस्ट 12-13% वी आर पेइंग। डीएलएफ की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 में कंपनी पर 25,066 करोड़ रुपए का कर्ज था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कंपनी लिए हुए कुल कर्ज पर औसतन 12.5% की दर से ब्याज चुका रही है। पिछली एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 में कंपनी की बिक्री 4,582 करोड़ रुपए थी, यानी 25,066 करोड़ रुपए का कर्ज और सिर्फ 4,582 करोड़ की बिक्री और कर्ज पर 12.38% ब्याज का बोझ। सवाल ये कि जब कंपनी खुद कर्ज पर 12.38% की दर से ब्याज चुका रही है
तो किसी कंपनी को बिना ब्याज का कर्ज क्यों दे रखा है? अगर कर्ज इसलिए दिया है कि वो कंपनी आपकी पार्टनर है, तो सवाल ये कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को पार्टनर आपने क्यों बनाया? क्या रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का रियल एस्टेट या होटल कारोबार में कोई अनुभव था? डीएलएफ तो वाड्रा की कंपनी से कई गुना बड़ी है, फिर पार्टनर क्यों बनाया? लेकिन ये भी साफ कर दें कि ये सवाल नैतिकता के दायरे में है, इसे गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। डीएलएफ बंबई में भी एनटीसी से जो विक्टोरिया मिल है बॉम्बे डाइंग सेंचुरी के सामने, वो प्लॉट 4 साल पहले 705 करोड़ में लिया था, लेकिन डीएलएफ के बुक्स पे इतना ज़्यादा बोरोइंग है, इतना ज़्यादा डेट है, इतना ज़्यादा लोन लाइबिलिटी है, उसको फाइनली 2 महीना पहले लोडा बिल्डर्स को 2750 करोड़ में बेच दिया। डीएलएफ कंपनी के चेयरमैन थे कुशल पाल सिंह। सिंह साहब को कारोबार की दुनिया में लोग केपी सिंह के नाम से जानते हैं। 2007 में जानी मानी आर्थिक पत्रिका फोर्ब्स ने केपी सिंह को दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर बताया। रियल एस्टेट के मुगल कहे जाने वाले केपी सिंह की संपत्ति 1,71,678 करोड़ रुपए की हो गई, पर 2008 में मंदी आ गई। इसका असर ये हुआ कि डीएलएफ के प्रमुख की संपत्ति गिरकर 42,333 करोड़ रुपए रह गई। 525-575 के रेंज में आईपीओ लाए थे, आईपीओ 25-30 रुपीस ऊपर ओपन हुआ, बट हाईएस्ट 2007 एंड 2008 लास्ट क्वार्टर ऑफ 2007 में 1250 तक गया था। फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो ये बूम के बाद ग्लूम एंड डूम आया, तो इट हैज सीन अ बॉटम ऑफ 170। राजनीतिज्ञों के साथ अपने संबंधों को डीएलएफ प्रमुख केपी सिंह ने कभी नहीं छुपाया। केपी सिंह की आत्मकथा है व्हाटएवर द ऑड्स, द इनक्रेडिबल स्टोरी बिहाइंड। राजनीतिक पार्टी और नेताओं से अपने संबंधों के बारे में केपी सिंह ने इस किताब में खुलकर लिखा है। केपी सिंह लिखते हैं, मैंने गर्मी भरे दिन ऐसी ही एक यात्रा के दौरान अपनी कार गांव के कुएं के पास खड़ी कर दी और संभावनाओं का अंदाज लगाने बैठ गया। एक ग्रामीण से बात कर रहा था, तभी तेजी से एक जीप पास में आकर रुकी। जीप का ड्राइवर बाहर आकर रुका और पूछा, क्या एक कैन पानी मिल सकता है? मैं जब पास पहुंचा तो देखा वो शख्स कोई और नहीं, राजीव गांधी हैं। जब मैंने अपना परिचय दिया तो राजीव ने पूछा, आप ऐसी उजाड़ जगह में क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी तेज गर्मी में? मैंने जवाब दिया, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं और दिल्ली के बाहरी इलाके में शहर बनाने के लिए प्रेरित हूं। राजीव की दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने इस बारे में गहराई से बात की। राजीव ने पूछा, अड़चन क्या है, क्यों नहीं शुरू करते? मैंने साफ गोई से बता देने का फैसला लिया और उन्हें मौजूदा भूमि कानूनों के बारे में सब कुछ बता डाला और किस तरह प्राइवेट डेवलपरों के सामने परेशानी आ रही है। 70 और 80 के दशक में डीएलएफ ने गुड़गांव में 3,000 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हरियाणा सरकार जमीन को विकसित करने संबंधी कानूनों में बदलाव लाए। गुड़गांव में रियल एस्टेट का कारोबार देखते ही देखते फैल चुका था। रॉबर्ट वाड्रा ने द इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, मैं डीएलएफ के लोगों को काफी समय से जानता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, हमारे बच्चे अच्छे दोस्त हैं, वो परिपक्व पढ़े लिखे समझदार बिजनेसमैन हैं, मूर्ख नहीं है। अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता था और एक के बाद एक चीज होती चली गई। अगर मुझे लोगों से फायदा उठाना होता तो मैं और बहुत बड़ी चीजें कर रहा होता, पर ये मैं अपने बूते पर कर रहा हूँ।